केंद्रीय आयुध निर्माण में काम करने वाले कर्मचारी एक बार फिर आज आंदोलन करते नजर आए। हेड निर्माणी के विरोध कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने सभी आयुध निर्माणी उनसे जुड़े किसी भी इंस्टीट्यूशन को कॉरपोरेट के हाथों में देने का कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। उसके बाद भी ASI की टीम आयुध निर्माणी के केंद्रीय अस्पतालों में विजिट करने के लिए पहुँच रही है। ये विजिट उनके अस्पतालों के निजीकरण को लेकर है, जिसके विरोध में आज आयोजित निर्माणी अस्पतालों के बाहर कर्मचारी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और उनके आने का विरोध किया। फैक्ट्री कर्मचारियों का ये भी कहना है कि अगर अस्पताल निजी हाथों में चले गए तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीम यहां पहुंच रही है उसके पास खुद के कोई भी संसाधन नहीं है। आज जो ASI की टीम जो आ रही है अस्पताल का दौरा करने, और जिस तरह से हम कर्मचारियों को और पूरे हॉस्पिटल को प्राइवेट के हवाले किया जा रहा है, ये जो टीम आ रही है निरीक्षण करने, इसके पास खुद की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही डॉक्टर है, ना ही स्टाफ है, ना ही बेड है। इतनी बड़ी फैक्ट्री का जो संचालन इतने छोटा सा हॉस्पिटल कैसे करेगा, ये भविष्य में कर्मचारियों के परिवार और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं और इस टाइम को वापस जाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद।